नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद के थाना उगैती क्षेत्र में मंदिर पर पूजा करने आई 50 वर्षीय महिला के साथ महंत व दो अन्य साथियों ने हैवानियत के साथ गैंगरेप कर दिया और उसके बाद हत्या कर दी गई। गैंगरेप कर हत्या में दिल दहलाने वाले वारदात में पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है, जिसमें एसपी संकल्प शर्मा ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया है और इसकी जाँच के लिए अब 4 टीम गठित कर दी गई है। पुलिस के लिए मुख्य आरोपी बापा सत्यनारायण की तलाश जारी है। इसी वारदात को सुनकर सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार आज बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़िता से मिलने घर पहुंचे। उन्होंने हुई गैंगरेप जैसी वारदात को लेकर परिजनों से इसे दुख की घड़ी में उनका सहारा बांधने के साथ साथ उनका हालचाल जाना। मीडिया के माध्यम से उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, योगी सरकार के जो भी वादे हैं सब झूठे साबित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष राजनीति की रोटियां पकाने का काम करेगी या पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विपक्ष कोई आवाज उठाते हैं। अब देखना यह भी है कि सरकार द्वारा पीड़ित को वास्तविकता में न्याय दिलाने का काम करेगी या ऐसे ही भाजपा सरकार गैंगरेप हत्या व लूट जैसी घटनाओं में विपक्ष को हमला करने का मौका मिलता रहेगा। उसके बाद जो तीन नेम्ड परिवार के लोग तीन नेम्ड लोगों के जिनके नाम उन्होंने FIR में दर्ज किए, उसमें अभी भी मुख्य अभियुक्त फरार है और वो भी तब फरार है जब वो खुद यहाँ तक आके डेड बॉडी को डाल के गया। एक बार गांव के लोगों ने पकड़ा भी, कुछ प्रभावशाली लोगों ने छुड़वाया भी, पुलिस ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया और अभी तक वो फरार है। पीड़ित परिवार अब तक की हुई कार्रवाई से पूरी तरह से असंतुष्ट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, केवल कागजी कॉलम पूरा करके खाना पूर्ति करके केवल दिखाने की कोशिश की है। आज सस्पेंड किया है, 2 महीने में बहाल कर देंगे, 1.5 महीने में बहाल कर देंगे, उससे इस परिवार को न्याय नहीं मिलने जा रहा है। थाना प्रभारी को सस्पेंड करके पूरा थाना बच जाएगा? मैं कह रहा हूँ इससे कोई दोस्त बच नहीं सकता इन बातों से। ये तो केवल एक किसी तरह से कागजी कार्रवाई करके केस को न्यूट्रल करने की कोशिश है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हमारी पार्टी का सवाल है और परिवार की जो मांग है, तीनों के तीनों मुलजिमों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, शीघ्रतम कार्रवाई होनी चाहिए, केस फास्ट ट्रैक कोर्ट को जाना चाहिए। इस परिवार की जो परिवार की गरीबी को आपने देखा है, नज़दीक से देखा है, परेशानियों को देखा है। इस परिवार में कमाने वाली अकेली वही एक बेचारी महिला थी जो कमा के परिवार पाल रही थी। कम से कम 25 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग परिवार को होना चाहिए और एक बेटा जो उनका है उस बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। एक और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन का दावा करती है और वो कहती है कि आज गुंडे या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो लगाते हैं, तीसरी ओर महिला सशक्तिकरण अभियान चलाते हैं, उसके बाद भी ऐसी जघन्य अपराध हो जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो नारे वो क्या क्या देते हैं उस पर जाने दीजिए। आज वो दिल्ली की सरकार में, केंद्र की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, सरकार क्या कर रही है ये गंभीर इशू है। जहाँ ये बात आपने की हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, उसका रेप हुआ, सामूहिक हत्या हुई और रात को 2:30 बजे उसकी डेड बॉडी जलाई जाती है और जलाने के बाद पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के षड्यंत्र में लगी थी कि कैसे ही दोषी उस परिवार को ठहरा दो जिस परिवार की बेटी थी। पीड़ित लोगों को ही दोषी ठहराने में पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी थी। खैर, उस परिवार को किसी तरह से न्याय मिला सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद। यही हाल आज बदायूं के अंदर, ये अभी हम बदायूं की इस घटना से बाहर नहीं निकल पाए। रास्ते में ही सूचना मिली कि शहर की मीरासराय की में एक नाबालिग बच्ची के साथ यही हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही हैं। कल ही शाम को लखनऊ राजधानी के सबसे पॉश इलाके में एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या कर दी जाती है। तो ये BJP के लोग जो अपराधियों को भी बचाने में लगे हैं वो जाति देख के बचा रहे हैं, अधिकारियों की पोस्टिंग भी कर रहे हैं वो जाति देख के कर रहे हैं। जो कानून के सामने जो चीज़ें होनी चाहिए वो एक जाति विशेष का अगर कोई व्यक्ति है तो वो निर्दोष है, उसके अंदर सर्वगुण संपन्नता है, और अगर उस जाति के बाहर का कोई व्यक्ति है समाज का तो वो सभी अवगुण उसके अंदर शामिल हैं। इस तरह की सोच के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जिसकी हम गंभीरता से निंदा करते हैं। और जहाँ तक इस परिवार के लोगों की जो मांग है, उस मांग के लिए मैंने जो बातें आपसे कहीं
उस मांग पर हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। अच्छा, अब तक जो भाजपा सरकार में आए दिन गैंगरेप, लूट, घटनाएं, हत्या जैसी जो होती आ रही हैं, क्या कुछ इनके पीछे प्रशासनिक या किसको आप दायित्व देंगे कि आखिर कहाँ ऐसी चूक हो रही है जो आए दिन ऐसी घटनाएं? जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है और शासन के मुखिया की है, जिसके अंडर में पूरे प्रदेश का शासन और प्रशासन है, पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी है। और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन के लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन प्रशासन भी क्या करेगा, रात को जब 11:30-12 बजे VC होती है और ये कहा जाता है कि सभी पार्टियों के नेताओं को घरों को घेर लो, और रात के 1:30-1:30 बजे जब पुलिस उनके नेताओं के घरों को घेरेगी तो अपराध से कहाँ लड़ पाएगी? पुलिस को लगा रखा है इस बात के लिए कि वो केवल विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, उनको कहाँ पुलिस को अपराध रोकने के लिए लगाया? नहीं तो माननीय अखिलेश जी ने जो बनाया था 1090, लाखों महिलाओं की मदद हुई थी उस योजना से, आज वो योजना कहाँ है पता करिए। डायल 100 जो बनाई थी उस योजना से 10 मिनट के अंदर पुलिस मिलती थी, उपलब्ध होती थी, आज उसको किस तरह से बर्बाद कर दिया है। 18 घंटे के अंदर FIR नहीं हो रही। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो व्यवस्था दी थी 10 मिनट के अंदर किसी भी पीड़ित परिवार को राहत मिलने वाली चीज़ थी, आज क्या बहाने बनाए जा रहे हैं कि कहीं घटना में पुलिस थी? मैं पूछ रहा हूँ कि डायल 100 की पुलिस कहाँ थी? डायल 100 की पुलिस कहाँ थी उस समय? इस पूरे मामले में पीड़िता का पोस्टमार्टम 48 घंटे बाद हुआ। जी जी, इसमें क्या कहेंगे? केस को किसी तरह से डाइल्यूट करने के तरह से पहले FIR नहीं हुई, फिर उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम होता है तो 48 घंटे बाद होता है, जिससे सबूत मिट सकें, रेप वेप सिद्ध करने में दिक्कत हो। और इसी तरह से अभी तक क्या मीडिया को उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है? किसी को मिली है? कोई सूचना नहीं दी गई। कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने परिवार से पूछा कि आपको पोस्टमार्टम की सूचना मिली कि क्या निकला है पोस्टमार्टम में? परिवार के लोगों का भी कहना है कि नहीं, कोई भी सूचना नहीं है। ये अब तक के बदायूं के इतिहास में सबसे पहली सबसे बड़ी जघन्य अपराध है और क्षेत्र में एक चर्चा का विषय है कि मोदी के शासन में मोदी विदेश भाग जाते हैं और बाबाजी के शासन में बाबाजी फरार हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है, तभी इस तरह के अपराधी की ये हिम्मत है कि लेके डेड बॉडी यहाँ घर तक छोड़ के जाते हैं और उसके बाद फरार भी हो जाते हैं। अगर संरक्षण नहीं होता तो इतनी बड़ी घटना, इतनी वारदात नहीं होती और होने के बाद अपराधी फरार नहीं हो सकते थे। कहीं ना कहीं पुलिस अपराधियों को बचा रही है, ये मेरा सीधा आरोप है। अच्छा, ये आला अधिकारियों ने ये जो केवल थाना प्रभारी को निलंबित किया है, ये कोई बात नहीं। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।